हमारे बहुत ही पुराने और बहुत ही प्यारे मित्र हैं, इनका नाम है सुरेश शेलार। इनको सिनेमा आर्ट और आर्टिस्ट से बहुत प्यार है। आई थिंक इनका प्यार और इतनी मोहब्बत ही है कि बहुत आर्टिस्ट से अपने आप जुड़ जाते हैं। उनमें से एक आर्टिस्ट में इन्होंने एक भी शो सरसा सरला का लाइफ में मिस नहीं किया है। मुझे इनको लाइफ टाइम मेम्बरशिप का वो देना चाहिए। तो कैसा लगा मूवी, थोड़ा वो बताइए। ऑब्वियसली इट्स वेरी रियल फिल्म, क्योंकि मुझे लगता है कि फिल्म एक्टर्स की वजह से काफ़ी हद तक बनती है। इतनी बड़ी एंसेंबल में सीमा मैम को भी यही कह रही थी कि क्योंकि ये सारे वो एक्टर्स हैं जिनका काम मैंने देखा है, जिनके साथ मैंने काम किया है। सीमा मैम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर, एंड इससे अच्छी फिल्म आई मीन दैट काइंड ऑफ डार्क ह्यूमर यू नो जो उन्होंने मतलब छोटी छोटी चीज़ों में किया है, जैसे बच्चे मतलब चप्पलों के साथ खेल रहे हैं या कैसे सारे के सारे लड़के ऊपर जाकर मतलब हॉटशॉट पक रहे हैं डर फिकर, ये चीज़ें बहुत होती हैं। सर क्या कहना चाहिए आज मूवी आप लोग? Actually, I'm just wondering, जिस तरह से सिनेमाटोग्राफी की गई है मूवी की, एंड इतना बड़ा फिल्म इतने बड़े दिग्गज कलाकार है इसमें, आई वाज जस्ट यू नो थिंकिंग इन माय हेड कि किस तरह से शुरुआत हुई होगी, किस तरह से एक कॉन्सेप्ट लेके उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ ह्यूमर भी डाला है, एंड देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ द डायरेक्शन वाज फैंटास्टिक, द डीओपी व्हाट अ जॉब ही हैज डन, आर्ट डायरेक्शन, एवरीथिंग इज फॉर सॉफ्ट एंड म्यूटेड जैसे रियल लाइफ में होता है, बिल्कुल वैसा ही था, तो बिल्कुल ब्रिलियंट था। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर उन्होंने जो ध्यान दिया है वो देख के ऐसा लगता है कि सचमुच हम किसी बड़े फैमिली का एक हिस्सा है। फिल्म देखते समय ऐसा ज़रा भी नहीं लगा कि हम कहीं और जाके बैठे हैं। एक्चुअली ये मूवी इतनी सरल और इतनी सही है, एज इन ये सारा जो कैरेक्टर्स है और जो घटनाएं ये सब लोगों ने देखी अपने लाइफ में, बट उसे इतनी खूबसूरती से कैप्चर किया गया है और ह्यूमर के साथ कैप्चर किया गया है। तो आई गेस जो भी ये फिल्म देखेगा सारे लोग उनको वो रिलेट होगा कि कैसा उन्होंने ये सारी घटनाएं अपने घर में आसपास लाइफ में देखी है। तो बहुत ही सरल और प्यारी फिल्म है, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। स्पेशली लॉकडाउन के बाद ये फिल्म आ रही है, तो इसका एक अलग महत्व है क्योंकि जो एक पर्सन थिएटर में आए हैं बहुत बहुत सुंदर दिल से फिल्म बनाई है, और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप थिएटर में जाइए और जल्दी से जल्दी ये फिल्म देखिए। थैंक यू। तो मेरी तो इस फिल्म को बहुत बहुत शुभकामना है कि आफ्टर लॉकडाउन इतने महीने बाद थिएटर्स में जाके इस फिल्म को देखेंगे, एंड इट्स लाइक रियली इट्स लाइक अ ब्रीज ऑफ फ्रेश एयर, और सबको मैं ये अपील करता हूँ कि ज़रूर थिएटर में जाके, पीवीआर वाले बहुत ही अच्छी तरह से सब सैनिटाइजेशन और इसकी देखभाल कर रहे हैं, सो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सो मेरी अपील है कि आप थिएटर में आइए, पीवीआर में आइए और इस फिल्म का ज़रूर लुत्फ उठाइए। आई विश बहुत लोग ये देखें और ये फिल्म को बहुत सक्सेस मिले, बहुत प्यारी और पीवीआर कैसा रहा? काफ़ी कोविड के सभी ध्यान रखे गए यहाँ पर, वो सैनिटाइजेशन आपने कैसा देखा यहाँ पर? नहीं नहीं बहुत अच्छा था और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग प्लीज़ आओ और देखो बहुत सेफ्टी के साथ और सेफ्टी मेजर्स हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा। तब देखिए पता चल जाए कि हर फैमिली में ऐसे होता है, और सबसे अच्छी बात लगी कि मैं मूवी देखा मुझे हर कैरेक्टर याद था, मतलब मुझे छोटे से छोटा कैरेक्टर याद था जो मैं जब कोई और मूवी देखती हूँ तब मैं कोई ना कोई कैरेक्टर मिस कर ही जाती हूँ, बट इस बार मुझे हर कैरेक्टर याद था और जिसकी की एक लाइन भी हो वो भी मुझे कैरेक्टर याद था, बहुत अच्छा लगा। सब लोगों का कहना था कि मैं कर सकती हूँ, तो फिर मैंने ये काम करना शुरू किया और फिर जो भी मेहनत की है वो आप सबके सामने है। उनके बारे में यही कहना चाहूँगा, अपने करीब के अपने सिनेमा थ्रो में जाइए और फिल्म देखिए, और फिल्म और अपने आप को गलत अपने आप को छकने वाले फिल्म देखना मत भूलिए, जरूर देखिए राम प्रसाद की। मैंने पहले भी कहा है क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ, हमारी फैमिली में भी ऐसे होते हैं, जब मेरी दादी की डेथ हुई थी तो वो लास्ट टाइम था जब हमारी पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा हुई थी, तो कुछ ऐसा ही हाल हमने वहाँ पर भी देखा था और वही हाल आज
कई सालों के बाद मुझे आज स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी कहानी एक जैसी ही होती है। एंड सीमा मैम ने बहुत ही बखूबी निभाई है। एंड कंग्रेचुलेशन सीमा मैम, एंड कंग्रेचुलेशन द एंटायर टीम ऑफ नाम।